नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। इस खास सत्र में जो सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं वो है सोशल साइंस कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, और जो टॉपिक है बड़ा ही दिलचस्प है। यहाँ पर आज हम जानकारी करेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि पार्ट वन है। इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ड्यूरिंग लाइव। एक टेलीफोन नंबर ये हम अक्सर आपको मुहैया कराते हैं, देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 8800440559। इसके अलावा आप हमें अपने सुझाव मेल कर सकते हैं, प्रश्न भी मेल कर सकते हैं dth.class10@cat.nic.in। इस प्रोग्राम से रूबरू होने के लिए आप पीएमए विद्या का जो चैनल नंबर 10 है उसको आप ट्यून इन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की लाइव कवरेज जारी है। नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके बारे में हमें बताने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ तश्रीफ फरमा है श्री पवन कुमार गुप्ता जी, जो कि पीजीटी हिस्ट्री है केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी से, उनका वास्ता बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अक्सर नेशनलिज्म की हम जब बात करते हैं, राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं, तो एक बहुत ही बृहद कॉन्सेप्ट है, इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। बच्चों में अक्सर इस बात की थोड़ी सी रह जाती है मन में दुविधा कि इसको हम किस तरीके से समझें। तो पहले तो ये बताएं कि इस चैप्टर में राष्ट्रवाद को लेके, नेशनलिज्म को लेके क्या क्या है। जी बिल्कुल सही प्रश्न पूछा धर्मेंद्र सर आपने। तो सबसे पहले हमारे विद्यार्थियों को जब ये चैप्टर पढ़ते हैं हमारे छात्र एंड स्टूडेंट्स, तो उसमें कन्फ्यूजन रहता है कि इस चैप्टर में किस तरीके से पढ़ें, क्या पढ़ें। सो स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट what is all there in this chapter, what you have to study in a systematic way, and then it will be very easy for you to learn this chapter. So let us start this chapter. तो आइए शुरुआत करते हैं nationalism in Europe, और ये कक्षा दसवीं की first part here we are presenting. तो let us start. इसमें देखें, जो इस chapter को अगर आप लोग देखेंगे तो very first the meaning of nationalism, इसके बाद में बहुत सारे कॉजेज, राइट, कि कौन कौन से कॉजेज हैं, और स्टूडेंट्स हियर वी विल डिस्कस ऑल दोज कॉजेज वन बाय वन। इसके बाद में रिजल्ट्स, क्या क्या इसके जो नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ यूरोप में, व्हाट वर द मेन रिजल्ट्स ऑफ दैट नेशनलिज्म, एंड लास्ट वन इज कॉन्क्लूजन। तो ये सब इस तरीके से हमको सिस्टमेटिक वे में चैप्टर में पढ़ना है। जहाँ तक इसके कॉजेज की बात है, सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियंस रिफॉर्म, वियना कांग्रेस, कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड रोमांटिसिज्म। तो ये सारे कॉजेज हैं, इन सारे कॉजेज की वजह से यूरोप में नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ। स्टूडेंट्स, वैसे तो और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, बट मेनली दीज रीजन्स हैव बीन गिवन इन योर बुक एंड दिस चैप्टर। तो इसके बाद में इसका क्या रिजल्ट हुआ, जो भी नेशनलिज्म फैला, तो नंबर वन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज स्प्रेड नॉट ओनली इन यूरोपियन कंट्रीज बट इन अदर कंट्रीज टू। इन द सेम वे नेक्स्ट रिजल्ट इज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, विच हैज़ बीन गिवन इन योर बुक। एंड इसका जो लास्ट कॉन्सिक्वेंस था वो था एक्सट्रीम नेशनलिज्म, और इसमें एक बालकन प्रॉब्लम इसकी वजह से जो आई सामने, एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसकी वजह से नेशनलिज्म जब एक्सट्रीम नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो गया। सो लेट अस सी वन बाय वन। सो स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट वी विल सी द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। आई थिंक मेरा भी यही सवाल आपसे था कि जी नेशनलिज्म को अगर हम शाब्दिक अर्थों में समझने की कोशिश करें तो उसके मायने क्या होंगे। और नेशनलिज्म एक हम अपने देश में भी कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की अवधारणा है। बिल्कुल, अलग अलग कंट्री के लिए वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हिसाब से होती है, लेकिन एक सूत्र में उस चीज़ को प्रयोग देना, कहीं ना कहीं जिसको हम राष्ट्र से जोड़ते हैं वो उसके अपने अलग मायने हैं, तो उसको समझ लेते हैं कि आखिरकार ये नेशनलिज्म क्या है। जी बिल्कुल सही धर्मेंद्र जी। तो यहाँ पर हम देखें कि जो नेशनलिज्म है, जैसा आपने बोला जी, इट्स रियली अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और नेशनलिज्म क्या है, इट इज़ वन टाइप ऑफ आइडियोलॉजी, इट इज़ वन टाइप ऑफ मूवमेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड डिवोशन, सेक्रीफाइसिस टुवर्ड्स द नेशन। तो इस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग जो है, और केवल यूरोप में ही नहीं, वर्ल्ड ओवर हम अपने राष्ट्र में देखें, जैसा अभी आपने बताया अपने देश में देखें, सो देर इज़ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। एंड ड्यूरिंग अवर फ्रीडम स्ट्रगल इट वॉज एट इट्स एपेक्स, अपने पीक पॉइंट पर था नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द थर्ड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। तो जहाँ पर भी कॉन्टेक्स्ट आएगा, वी विल कंपेयर द इवेंट्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देम बेटर।
तो अब यहाँ पर अ वेरी इम्पॉर्टेंट पिक्चर हैज़ बीन गिवन एंड इट वॉज पेंटेड बाय फ्रेडरिक सोरियो। तो इन्होंने एक जो पेंटिंग बनाई एंड इट इज़ अ यूटोपियन विजन। यूटोपियन मीन्स दैट थिंग विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू आइडियलिज्म, विच इज़ वेरी नियर टू आइडियलिज्म, जिसको एक तरीके से पा पाना, जिसको जो है एक तरीके से अचीव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हियर यू कैन सी वन ऑफ द पिक्चर एंड दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एंड हियर स्टूडेंट्स यू विल सी इन योर बुक्स दैट अ लॉन्ग क्यू ऑफ द पीपल एंड दीज पीपल आर होल्डिंग फ्लैग्स ऑफ देयर नेशन। यू कैन सी सम ऑफ द पीपल हैव पास्ड अवे फ्रॉम द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सम आर वेरी नियर टू इट एंड यू विल सी देर इज अ वेरी वेरी लॉन्ग क्यू। In the sky, in the heaven, you will see that Jesus Christ and other angels are giving their blessings. And for the foreground of this picture, you can see there are the broken remainings of the slavery system and we can say other types of bondage system and tortures, right? एंड स्टूडेंट्स नाउ जब इस पिक्चर में हम देख ही रहे हैं एंड इट इज़ अ वेरी गुड चांस टुडे दैट वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग गुड फ्राइडे एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द क्रूसीफिकेशन ऑफ जीजस क्राइस्ट। तो इसमें जीजस क्राइस्ट हमको दिखाई पड़ रहे हैं। सो हियर यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स विच हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन दीज पिक्चर। तो इट इज़ ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कि किस तरीके से लोग अपने आप की नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस नेशनलिज्म की वजह से क्या हुआ, सो मैनी कंट्रीज दे कंसोलिडेटेड देमसेल्व्स इनटू अ नेशन स्टेट। एंड स्टूडेंट्स नेशन स्टेट इज़ नॉट अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट इज़ जस्ट लाइक द मॉडर्न कंट्रीज, इट इज़ जस्ट लाइक द मॉडर्न नेशंस। तो कोई भी जो नेशन स्टेट है तो उसके देर आर सर्टेन वी कैन से देर आर सर्टेन पार्ट्स और देर आर सर्टेन वी कैन से उनके अलग अलग जो भाग हैं या उनकी अलग अलग जो चीज़ें हैं। तो इसमें हम देखें तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज द टेरिटरी, कोई भी नेशन की जो टेरिटरी है, अगर हम इंडिया को देखें सो देर इज़ अ डिफाइंड टेरिटरी, और जब भी कभी टेरिटरीज डिफाइन नहीं होती हैं सो देर आर डिस्प्यूट्स एज वी कैन सी इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, इन टर्म्स ऑफ चाइना। तो टेरिटरी होना बहुत जरूरी है। इन द सेम वे पॉपुलेशन, नेक्स्ट वन इज द शेयर्ड कल्चर, लोगों के एक शेयर्ड कल्चर होना चाहिए, उनकी एक शेयर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए। एंड स्टूडेंट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ नेशन स्टेट दैट इज सोवरेन गवर्नमेंट। सोवरेन गवर्नमेंट मीन्स एक तरीके से संप्रभु सरकार, जो बिना किसी दबाव के, बिना किसी दूसरे देश या दूसरे लोगों के, अपने सारे डिसीजंस को खुद ले। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ नेशन स्टेट। सो नाउ वी विल सी द मैप एंड हियर यू कैन सी इन दिस मैप ऑफ यूरोप यू कैन सी दैट अप टू 1914 सो मैनी कंट्रीज, सो मैनी स्टेट्स दे कंसोलिडेटेड देमसेल्व्स इनटू अ नेशन स्टेट। उन्होंने जैसे इंडिया एक मॉडर्न देश बना आफ्टर अवर इंडिपेंडेंस, इसी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज ने अपने आप को एक नेशन स्टेट बनाया। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी एंड वी विल डिस्कस द कॉजेज। तो इन कॉजेज को अभी हमने जैसा कि आपको एक्सप्रेस किया, देर आर सेवरल कॉजेज फॉर द नेशनलिज्म इन यूरोप, सो वी विल डिस्कस हियर वन बाई वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट, एंड यू ऑल हैव स्टडीड फ्रेंच रेवोल्यूशन इन क्लास 9th और यू हैड स्टडीड दैट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन सो मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन फ्रांस एंड दो चेंजेस नॉट ओनली अफेक्टेड फ्रांस बट द होल वर्ल्ड। जैसे हम इंडिया में भी देखें तो इंडिया पर भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का इफेक्ट आया। तो जो इंडिया का जो रिपब्लिक सिस्टम है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फ्रांस और इट वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बहुत सारे आप चेंजेस को पढ़ेंगे विच टुक प्लेस आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नंबर वन ला पैट्री, जैसे हम अपनी इंडिया को बोलते हैं मदर लैंड, इन द सेम वे इन
फ्रेंच लैंग्वेज और फ्रेंच पीपल दे कंसीडर ला पैट्री, पितृभूमि, यानी अपने देश को पिता मानते हैं। नेक्स्ट ले सिटोएन, पहले क्या था कि देयर वर डिफरेंट टाइटल्स फॉर द प्रिविलेज क्लास। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगा। यस, आपने ला पैट्री की बात करी और हमारे यहाँ मातृभूमि शब्द मदरलैंड, मदरलैंड, ठीक है। तो क्या कोई ये विचारधारा है कि अगर ला पैट्री है तो वहाँ पे पुरुष प्रधान देश वो हुआ करता था, उन लोगों की इस तरीके से बात थी। हम जिसको अलग कॉन्टेक्ट में देखते हैं, जी, कोई अंतर था विचारधारा के साथ? एक्चुअली धर्मेंद्र जी, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू कल्चर, दैट विच टाइप ऑफ कल्चर इज देयर इन एनी कंट्री। तो ज़्यादातर हम देखें कि हमारे यानी कि इंडिया की जो कल्चर है उसमें जो एक तरीके से पावर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, दोज हैव बीन रिलेटेड टू फीमेल गॉडेस। इन द सेम वे आवर कंट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ गॉडेस। तो इस तरीके से इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू कल्चर। इन द सेम वे स्टूडेंट्स, यू विल सी दैट सो मैनी अदर चेंजेस टुक प्लेस इन फ्रांस, जस्ट लाइक नेशनल असेंबली वॉज इस्टेब्लिश्ड, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन, पीपल वर गिवन इक्वल राइट्स, दे वर गिवन वोटिंग राइट्स, राइट। इन द सेम वे फ्यूडल ड्यूज वर ऑल्सो एवोलिश्ड। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस यू विल रीड एंड स्टडी इन योर चैप्टर, एंड इफ यू मीन्स वॉन्ट टू स्टडी यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द चैप्टर नंबर 9, क्लास फॉर क्लास 9th ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो वहाँ पर चेंजेस आए फ्रांस में, उन सारे चेंजेस का इफेक्ट केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, वो इफेक्ट जो है यूरोप के बहुत सारे देशों में और वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज में उनका इफेक्ट देखने को मिला। एंड इन दिस वे द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज स्प्रेड इन अदर कंट्रीज। द नेक्स्ट वन इज यू कैन सी द रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन। तो स्टूडेंट्स, इफ यू विल सी एंड स्टडी अबाउट नेपोलियन बोनापार्ट, तो आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन सम गवर्नमेंट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस, बट व्हाट वी सी दैट दोज गवर्नमेंट्स कुड नॉट वर्क प्रॉपरली, कुड नॉट रूल प्रॉपरली। सो इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट को एक चांस मिल गया, एंड ही कैप्चर्ड द पावर इन फ्रांस, और उसने फिर से वहाँ पर फ्रांस में मोनार्की सिस्टम को इस्टेब्लिश कर दिया। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था, ही वॉज ए वेरी एम्बिशियस किंग, ही वॉन्टेड टू कंकर, ही वॉन्टेड टू विन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोप। एंड स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू कंट्रोल ओवर इंडिया, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश हिज रूल ओवर इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रांस कहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है, और वो फ्रांस में बैठकर इंडिया को भी अपने कब्जे में लेना चाहता था। तो इतनी ज़्यादा उसकी महत्वाकांक्षा थी, एम्बिशंस थे। इसके लिए नेचुरली उसको बहुत ज़्यादा आर्मी की, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, एंड डेट्स वाई ही कैप्चर्ड सो मैनी कंट्रीज़। लेकिन उन कंट्रीज़ को कैप्चर करने के साथ ही ऑल्सो वी कैन से इनिशिएटेड सम रिफॉर्म्स, एंड हियर यू कैन सी इन दिस स्लाइड सम ऑफ द रिफॉर्म्स दोज वर एग्जीक्यूटेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। तो जो नेपोलियनिक कोड था वो उसने इस्टेब्लिश किया। इन द सेम वे ही डिड अवे द प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस मीन्स जो विशेषाधिकार थे, एंड ही सेट अप द लॉ और इक्वलिटी बिफोर द लॉ, राइट। इन द सेम वे ही ऑल्सो गेव राइट टू प्रॉपर्टी, एंड ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसने एक जैसा यूनिफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर न सिर्फ फ्रांस में बल्कि दूसरी कंट्रीज में जहाँ पर भी उसने कब्जा कर रखा था, देयर ही इस्टेब्लिश्ड ऑल दीज थिंग्स। इन द सेम वे स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन ऑल्सो सी दैट सम ऑफ द अदर रिफॉर्म्स रिलेटेड टू नेपोलियन, जैसे कि उसने गिल्ड्स रेस्ट्रिक्शन, गिल्ड क्या था कि जैसे बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट वॉज नोन एज गिल्ड। तो उन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, उनको रिमूव कर दिया। इन द सेम वे ही ऑल्सो सिंप्लीफाइड कम्युनिकेटिव सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो इनके बहुत सारे नेपोलियन के रिफॉर्म्स की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि लोगों को बहुत फैसिलिटीज़ मिली, राइट, और उनका जो एक तरीके से आपस में जो बॉन्ड था वो और ज़्यादा मजबूत हुआ, एंड इन दिस वे नेशनलिज्म वॉज स्प्रेड।
सो स्टूडेंट्स इट वॉज अनदर रीजन दैट्स वे द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज स्प्रेड इन डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट रीजन और इसमें आप देखें वियना कांग्रेस. सो स्टूडेंट्स माफी चाहता हूं सर मैं आपके बीच में रुका. वियना कांग्रेस की बात करने से पहले अभी राष्ट्रवाद की जो बात विचारधारा पे हम बात कर रहे थे, अगर मान लीजिए विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न है कि ये जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है क्या ये एकदम से आपके मन में उपजित होती है या इसके पीछे और भी जो आमूलचूल कारण है, यस आपने वो झलक जरूर दिखाई है, वहाँ पर आपने राष्ट्रहित का पुट देखा, आपने इमोशंस भी देखे और भी दो चार चीज़ें उसके उसमें सम्मिलित थी. तो अगर मान लीजिए किसी राष्ट्र में हम रहते हैं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमारा देश भारत है और हम उस राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो ये जो विचारधारा है क्या ये वैचारिक स्तर पर उसी तरीके से जन्म लेती है या जन्म से ही हमारे मन में वो चीज़ होती है कि यस ये हमारा देश है और इसके प्रति हमारे कुछ अपने कर्तव्य हैं, फिर वो जाकर जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं हम राष्ट्रवाद की ओर. बिल्कुल सही कहा धर्मेंद्र सर आपने. तो इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं. एक तो हमारे संस्कार, जो कुछ हम बचपन से अपने फैमिली में अपने एनवायरनमेंट में देखते सुनते आए हैं उसकी वजह से. नेक्स्ट बहुत सारे जो आउटर रीजन्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश और कॉलोनियल पीरियड, तो एक तरीके से उस समय जो हमारी कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो नेचुरली लोगों में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उसको यानी ग्रो होने के लिए बहुत अच्छी एक ग्राउंड मिला. इन द सेम वे सो मैनी अदर रीजन्स मे बी देयर. तो बहुत सारे रीजन्स इसके हो सकते हैं. कोई ऐसा एक व्यक्ति या मान लीजिए आ जाए कि उस आग को हवा देने वाला हो, सही जगह पे पहुंचाने वाला हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का और प्रखर रूप में सामने आता है. बिल्कुल. चलिए अब हम वियना कांग्रेस की तरफ चलते हैं, इसको समझ लेते हैं. जी बिल्कुल. तो स्टूडेंट्स दिस वियना कांग्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड अंडरस्टैंड इट. इसको आप समझें तो इट इज़ वेरी सिंपल. वेरी फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कांग्रेस, राइट. तो जो कांग्रेस वर्ड है, वैसे तो एक पार्टी भी कांग्रेस पार्टी यानी कि एक पार्टी से भी रिलेटेड होता है. कई बार इसको यानी कि जो पार्लियामेंट्स हैं, जैसे कि अमेरिका में हम देखें कांग्रेस सीनेट, वहाँ से भी रिलेटेड है. एंड कांग्रेस का एक मतलब जो है दैट इज ऑल्सो मीटिंग. तो क्या हुआ कि आप यहाँ पर देखेंगे, आप पढ़ेंगे अपनी चैप्टर में कि सो मैनी कंट्रीज, जहाँ जहाँ पर नेपोलियन ने उन कंट्रीज पर अपना रूल इस्टेब्लिश किया, नेचुरली वो कंट्रीज नेपोलियन के खिलाफ हो जाएंगी. और उन्होंने नेपोलियन के अगेंस्ट में, फ्रांस के अगेंस्ट में एक होकर एक अपना अलायंस बनाया अंडर द लीडरशिप ऑफ इंग्लैंड. एंड दे फॉट अ वेरी फेमस बैटल एंड दैट बैटल इज बैटल ऑफ वाटरलू एंड इट वॉज फॉट इन 1815 में. जो यानी कि इसके जो नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल, तो इसके बाद क्या हुआ कि यानी जो विनिंग पावर्स थी उन्होंने वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इन यूरोप, राइट, नॉट ऑस्ट्रेलिया, राइट. तो ऑस्ट्रिया इज डिफरेंट, ऑस्ट्रेलिया इज डिफरेंट. तो वहाँ पर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया एंड दिस वॉज हेडेड, इट वॉज चेयर्ड बाय द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया ड्यूक मेटरनिक. तो अभी हम देखेंगे ड्यूक मेटरनिक के बारे में. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स. तो हियर वी विल सी. तो जो इसमें क्या हुआ कि इन सारे विनिंग जो कंट्रीज थे दे मीन्स टुक सो मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड स्टूडेंट्स दोज डिसीजंस अफेक्टेड द होल यूरोप. यूरोप में किस तरीके से आगे नेशनलिज्म फैलेगा, क्या होगा, तो इनके डिसीजन से बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट पड़ा. और टाइम टू टाइम हम आपको बताएंगे कि किस डिसीजन को आगे चलकर हम बिल्कुल उससे जो अलग अलग इवेंट्स हैं उनसे भी रिलेट करके देखेंगे. सो द वेरी फर्स्ट डिसीजन विच वॉज टेकन बाय द कंट्रीज इन दिस वियना कांग्रेस, जो ओल्ड जो एक तरीके से डायनेस्टीज थी, जो पुराने जहाँ पर राजवंश राज कर रहे थे, दोज वर रिस्टोर्ड अगेन. उनको फिर उन वहाँ पर फिर से रिस्टोर किया गया. जैसे हम देखें कि ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन बर्बन डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर फ्रांस. तो जो बर्बन डायनेस्टी के जो लोग थे या जो राजा थे उनको फिर से रिस्टोर किया गया. इसी तरीके से अलग अलग दूसरी कंट्रीज में भी पुराने राजाओं को रिस्टोर किया गया. और अभी हम जो नेक्स्ट इसका टॉपिक लेंगे कंजर्वेटिज्म, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जब जो मोनार्की सिस्टम है, पुराना जो राजतंत्र है उसको इस्टेब्लिश किया गया,
So those rulers started to rule according to that old regime, old culture, old traditions. तो उसकी वजह से एक कंजर्वेटिज्म फैला और उस कंजर्वेटिज्म ने भी यूरोप में नेशनलिज्म को फैलाने में हेल्प की. नेक्स्ट वन वी कैन सी वट एवर द टेरेटरीज वर कैप्चर्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट. सो ऑल दोज टेरेटरीज, ऑल दोज स्टेट्स वर कैप्चर्ड अगेन, इट वर टेकन अगेन, टेकन अवे फ्रॉम द फ्रांस, उससे वापस ले लिए गए. इसी तरीके से हम देखें द उसके यानी कि फ्रांस के चारों तरफ कुछ ऐसे स्टेट्स को और कंट्रीज को पावरफुल बना दिया गया जिससे कि फ्रांस इन फ्यूचर ज़्यादा पावरफुल ना हो पाए और वो दूसरी कंट्रीज़ को अटैक ना कर पाए. सो हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देखें तो नॉर्दर्न साइड में, तो नॉर्दर्न साइड में हम देखें तो नीदरलैंड वॉज एसोसिएटेड विद बेल्जियम. इन द सेम वे टू द साउथ ऑफ फ्रांस, तो वहाँ पर क्या किया, जो जिनोवा था उसको पीडमोंट के साथ में एसोसिएट कर दिया गया. इन द सेम वे रशिया वॉज गिवेन द कंट्रोल ओवर पोलैंड. अभी जब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे अबाउट द रोमांटिसिज्म, तब हम इस पोलैंड के बारे में देखेंगे कि वहाँ पर क्या इम्पैक्ट हुआ रशिया का पोलैंड पर जब डोमिनेशन दे दिया गया. इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम देखेंगे जो प्रशिया था उसको सैक्सनी का डोमिनेशन दे दिया गया. एक और जो इम्पोर्टेंट चेंज उसने किया नेपोलियन बोनापार्ट ने इन जर्मनी, कि वहाँ पर जो 300 अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स थे, सो ही कन्वर्टेड देम इनटू 39 कॉन्फेडरेशन, स्टेट्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, यानी 39 स्टेट्स के एक ग्रुप बना दिया. तो इस वियना कांग्रेस में उस ग्रुप के साथ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया गया. और स्टूडेंट्स व्हेन वी विल सी एंड व्हेन वी विल स्टडी द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देन वी विल सी इट, तो इसका किस तरीके से वहाँ पर प्रभाव पड़ा. सो हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स की वियना कांग्रेस में जो भी डिसीजंस लिए गए, सो ऑल दोज डिसीजंस अफेक्टेड वेरी डीपली द फीलिंग्स ऑफ यूरोपियन पीपल. तो ऑल दिस अबाउट वियना कांग्रेस, और इनके जितने भी हमने आपको यहाँ पर नोट्स बताए हैं, यू शुड नोट इट डाउन ऑन योर कॉपी, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स और इनको लिख लें आप. और जो कुछ भी आप पढ़ें यू शुड रीड फ्रॉम योर बुक एंड यू शुड ऑल्सो नोट डाउन बाय योर सेल्फ, यू शुड प्रिपेयर योर ओन नोट्स. सो इस तरीके से जो आपकी लर्निंग है दैट विल बी वेरी ईजियर. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेटिज्म. वॉट वॉज कंजर्वेटिज्म, तो इसको हम स्टूडेंट्स अपनी फैमिली से भी समझ सकते हैं. सो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट. जैसे हम अपने घरों में देखें तो हमारे घरों में कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएंगे दो आर वेरी मॉडर्न, वेरी लिबरल इन देयर आइडियोलॉजी, इन देयर थिंकिंग, एंड वी कैन फाइंड सम पर्सन्स हु आर वेरी कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी जिनको बोलते हैं, जो नई चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं, पुरानी चीज़ों को ही सही मानते हैं, अपनी पुरानी ट्रेडिशंस को ही सही मानते हैं, उन्हीं को फॉलो करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं. सो सच टाइप ऑफ फीलिंग इज नोन एज कंजर्वेटिज्म. अच्छा, एक सवाल फिर यहाँ पर मेरे मन में है, बदलते हुए परिदृश्य में आप इसको फिर कैसे हम इसमें चेंज देख सकते हैं, क्या ये सही है? मान लीजिए बोला कि रूढ़िवादिता है, जन्म से ही चली आ रही है, जो उस परिवार के सदस्य हैं ये उनसे भी पहली है, तो फिर कहीं ना कहीं अनवरत वो चल रही है और उसको हम कहीं ना कहीं फॉलो भी करते चले जा रहे हैं. चल, अब कहते हैं कि समय जो है वो बदलता है अपने आप को, तो फिर हमारे जो मानक हैं सफलता के, जीने जीवन जीने के स्तर के, वो उन सब में कहीं ना कहीं बदलाव देखा जा सकता है. यहाँ पर भी उस चेंज को आप देखते हो, कितना सही मानते हैं उसको? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है. और अगर हम देखें तो आजकल के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है, जो मीडिया है, इसने लोगों का जो माइंड सेट है, जो उनकी थिंकिंग है, उसको बहुत ज़्यादा चेंज करके रख दिया है. इवन हम देखें पुराने लोग, दोज आर बिकमिंग मॉडर्नाइज, दोज आर बिकमिंग मॉडर्न, दे वॉन्ट टू शो देमसेल्व्स मॉडर्न. सो देर आर सो मैनी फैक्टर्स कि हमारी सोसाइटी कैसी है. जैसे इसका एक और जो फैक्टर हम ले सकते हैं दैट इज द ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है दैट एनी पर्सन कैन नॉट कीप अवे हिमसेल्फ from these impacts. Simply you can say nobody wants to left behind. Yes, yes. तो सभी उसका कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं. चलिए पहले इसको समझ लेते हैं यूरोप के संदर्भ में कंजर्वेटिव क्या है. सो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी द कंजर्वेटिव रेजिम्स. तो अभी हमने देखा कि वियना कांग्रेस में एक डिसीजन क्या लिया गया था कि जिन कंट्रीज
पर नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना कब्जा किया हुआ था उन कंट्रीज में पुराने राजाओं को फिर से रिस्टोर कर दिया गया, फिर से उनको वहाँ पर शासन करने दिया गया, उनको फिर से वहाँ पर बैठा दिया गया। एंड स्टूडेंट्स, व्हेन दीज रूलर्स स्टार्टेड देयर रूल अगेन, सो दे स्टार्टेड टू रूल अगेन इन अ वेरी वी कैन से कंजर्वेटिव वे, जैसे वो पुराने टाइम से रूल करते आ रहे थे, ज़्यादातर रूलर्स ने उन्हीं चीज़ों को फिर से लागू किया, राइट। और इसके बाद हम देखें कि यहाँ पर जो क्वेश्चनिंग मीन्स दे डिड नॉट टॉलरेट द क्वेश्चनिंग, कोई भी उनके अगेंस्ट क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता था, अगर उन्होंने कोई भी डिसीजन लिया उसको अपोज नहीं कर सकता था। इन द सेम वे स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द किंग्स ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड सेंसरशिप ओवर मीडिया, एंड आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है कि मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना, एंड विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स नथिंग कैन बी पब्लिश्ड, यानी कि पब्लिश होने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उनको पब्लिश नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से जब लोगों ने और रूलर्स ने सेंसरशिप लगाई, पुराने तरीके से रूल करना शुरू किया, तो लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई। और स्टूडेंट्स, वी कैन कंपेयर इट दीज कंडीशंस विद इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो हम देखें ब्रिटिश रूल में इंडिया में यही सब लगभग ऑलमोस्ट इसी तरीके की कंडीशंस चल रही थी, और इसी वजह से जो इंडियंस थे उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई कि हमें इसका विरोध करना है, इस टाइप की जो यानी कंजर्वेटिज्म है, जो टॉर्चर्स हैं उसको हमको अपोज करना है। द सेम फीलिंग वॉज देयर इन यूरोपियन पीपल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में इसको समझा जा सकता है कि जो जहाँ पर पत्रकारिता का इतिहास अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो वहाँ पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रूल बनाए थे कि आप सरकार के विरुद्ध कोई भी लेख नहीं छाप सकते हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं लिख सकते जो सरकार को नागवार गुजरे, जो उस समय बहुत ही दमनकारी तरीके से रूल कर रही थी। तो ये चीज़ वहाँ पर भी देखेगी, जो उसका बदलता हुआ परिदृश्य रूप जो भी हम देख रहे हैं अलग अलग तरीके से सेंसरशिप में है। एक और छोटा सा सवाल मैं समझता हूँ कि इस पर अब और भी हम बात नहीं कर पाएंगे, समय बहुत मुख्तसर है। इतिहास विषय को जब हम पढ़ते हैं, चूंकि सोशल साइंस में यूरोप और नेशनलिज्म को आप लेकर आए हैं, तो उसकी एक पढ़ने की जो एक विचारधारा है उसको कैसे एक विद्यार्थी को डेवलप करनी चाहिए। मान लीजिए कि एक कहानी के तौर पर उसको हम पढ़ रहे हैं, घटनाएं बहुत हैं उसमें, सन्स बहुत दिए हैं, डेट्स बहुत दी हैं, उनको याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और फिर या फिर एक तरीका ये भी कि जो आमूलचूल चेंजेस आ रहे हैं, एक डायनेस्टी से हम दूसरे की तरफ गए, फिर हम और आगे की तरफ गए, उसका आधुनिक रूप क्या हुआ, इन चेंजेस को अगर हम समझ जाएँ तो इतिहास पढ़ना क्या सरल हो जाएगा, कैसे उसको समझें। बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, और ज़्यादातर विद्यार्थियों की यही समस्याएं होती हैं कि हम इतिहास को किस तरीके से पढ़ें। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इतिहास को सबसे पहले तो उसके कॉन्सेप्ट्स को समझें कि मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या मेन चेंजेज आ रहे हैं, तो उनको समझना सबसे पहले ज़रूरी है। इसके बाद में हम इतिहास को अगर एक स्टोरी की तरह लें, उसको एक स्टोरी की तरह समझें और उसमें पर्टिकुलर फैक्ट्स को अगर इंक्लूड कर दें तो फिर वो हमारे लिए एक हिस्ट्री हो जाती है। और उन फैक्ट्स को हमें क्या करना है, इफ़ वी आर फॉरगेटिंग दोज फैक्ट्स सो वी हैव टू राइट इट डाउन, उन सबको हम सीरियल से लिख लें एंड वी शुड रिवाइज देम अगेन एंड अगेन, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू लर्न अबाउट हिस्ट्री। सो बाकी जो कथन है वो आप देख ही रहे हैं, अलग अलग तरीके से कैरेक्टराइज उसको करने पड़े, बड़ा मजा आता है क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में बहुत रोचक सब्जेक्ट है। तो किस तरीके से इसको पढ़ा जाना चाहिए हमने ये भी जाना, साथ में हमने ये भी समझा कि नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो एक बार में ही उपजित नहीं होती, उसके पीछे कुछ कारक हैं जो बाद में जाकर राष्ट्रवाद का एक रूप लेते हैं और सभी अपने अपने स्तर पर राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं उसमें योगदान देने की कोशिश भी करते हैं। फिलहाल इसको हमने यूरोप के संदर्भ में समझने की कोशिश की, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी स्टूडियो आने के लिए, और राष्ट्रवाद जैसी इस विरल अवधारणा को हमारे विद्यार्थियों को बहुत सरल तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों और धर्मेंद्र सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, जाने की कहीं भी जरूरत नहीं, अगला जो सेशन है वो है मैथमेटिक्स का, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, वहां पर हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। स्टे ट्यून्ड।